किए तुमरी नाम कुसुमरी सुमरी आनंदे मारी ताली किए दुखरे दुखरे कुमरी कुमरी रागरे गाली सब भाव जेणु तार सत्य से भक्त रचनाता भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत कवि जातिर जे हेउछन्ते सम्राट वरेण्य कवि उपेन्द्र भंजंकर रचना को नहीं उपेन्द्र भंजंकर जीवनी को नहीं पूर्व अध्याय रे आमर आलोचना रही आउ एई अध्याय रे चलित अध्याय रे अनुरूप भाव रे कविंकर से जीवनी आधारित किछि तथ्य एवं कविंकर बहुविध रचना आधारित किछि सारस्वत कृति संपर्कित ए आलोचना को नहीं आज ए विशेष आसर वरेण्य आलोचक भाव भुवनेश्वर भंज भारती भली एक अनन्य सारस्वत संगठनर संपादक भंज साहित्यर विशिष्ट विद्वान माननीय डाक्टर कृष्ण केशव षडंगी महोदय आम सहित रही आम सहित उपस्थित रही आम सहित आम समयर विशिष्ट साहित्य संस्कृति समीक्षक एकाधार रे जने सारस्वत साधक एवं संगीत शिल्पी संगीत समीक्षक माननीय डाक्टर शांतनु कुमार रथ महोदय आज ये आसरर वरेण्य कंठशिल्पी माने जो माने बेस प्रतिभादीप्त एवं निज निज क्षेत्र रे अशपत्न से शिल्पी मानक सहित सहयोगी वाद्य विचित्रार वरेण्य साधक माने बंधु माने से मध्य आमे ए कार्यक्रम माध्यम रे स्वागत जनाउछु। डॉक्टर षडंगी आमे देखु निज काव्यिक चेतना को नहीं से साहित्य सम्राट से मध्य संगीत को नहीं संगीत सम्राट आउ शब्दर गिरी को जे लंघी पारंती शब्दर समुद्र को जी अतिक्रमी पारंती से होचंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तंकु शब्द सम्राट कहिबा केते दूर यथार्थ। विधान होइछि जानाम सीता वर्णने शोभा अति मधुरता बुढ़ी नेत्र आज हेब पवित्र विशेष कर्सी देई हृदय क्षेत्र। आमे गोटे शब्द जाने सीता सीता कहिले आमे जनक नंदिनी सीतांकु बुझे किंतु सुधीवृंद सीतार अनेक अर्थ को नहीं गोटे पदरे उपेन्द्रंकर जो सुंदर संरचना ताहा ही दर्शनीय। विधान होइछि जानाम सीता ता अर्थ अभिधान रे जो सीता शब्द व्यवहार होइछि जहाँक ना सीता हला तांको गुणावली रे मध्य तांकर नामर प्रभाव रहिछि काम सहित नामर सामंजस्य को गुरुत्व दे उपेन्द्र ए पदटिके प्रस्तुत करिछन्ति। कहले सीता बोले कहिले खाली जनक नंदिनी सीता नुहंती से काहेकि सीता हेले तांको ना काहेकि सीता दियाहला ना तांको पाखरे तीनटा सीतार गुण संरक्षित होइकि अछि। सीता शब्दर अर्थ होउछि नबात जोटा भारी मधुर तांको ना शोभा अति मधुर होइथिबारु तांको ना सीता बोली यथार्थ। पुणी बुढ़ी नेत्र आज हेब पवित्र सीता शब्दर अर्थ होउछि गंगा नदी जेहेतु शुभ्रवर्णा तांको कहा जाए सीता जहाँकर स्वरूप को देखिले मन पवित्र हो जाए से सीता हेबेनि ताउ किए हेबे। पुणी विशेष कर्सी देई हृदय क्षेत्र सीता शब्दर आउ गोटे अर्थ होउछि लंगळाग्र लांगळाग्र लंगळर ईशक कहा जाए सीता। कहले जेतेबेळे जणे कर्सी देई हृदय क्षेत्र ये थरे दृष्टि निक्षेप करदेले हृदय क्षेत्र रे भक्ति बीज बपन हो जाए हृदय क्षेत्रटा कर्षित हो जाए आकर्षित हो जाए ता अर्थ लंगळर गुण गंगा नदीर गुण एवं नबातर गुण तीनटा जाक गुणर आधार होइथिबारु तांको ना विधान होइछि जानाम सीता एक को यथार्थ रूप देइछन्ती जनक सेई कन्या को सीता बोली कहिछन्ती एवं ताकू प्रतिपादित करी कवि सम्राट भंज जे शब्द सम्राट शब्दर अनन्य स्थपति एक को प्रमाणित करिछन्ती आउ सेई क्रमरे सेई छांदर जो मधुरता आज भी अक्षुण्ण हो रही विभूषण पुष्पे जाकांती जाण विभूषण करी कन्या कुआण विभूषण पुष्पे जाकांती जाण सुवर्णं शतशः दग्ध्वा शणपुष्पं प्रजायते सुनाटाकु शहे थर पड़िले जो स्फुलिंगटा बाहर ताकू कहुआ शणपुष्प तेणु से विभूषण पुष्पे जाकांती जाण विभूषण करी कन्या कुआण आसंतु शुणिबा एवं सेई भंज संगीत रे तल्लीन हवा। विभूषण पुष्पे जाकांती जाण विभूषण करी कन्या कुआण जहाँ को उपस्थापन करिवे ए आसरर संगीत शिल्पी समवेत गायन रे विभूषण
विभूषण पुष्पे जाकांति जान विभूषण करी कन्या कुआन वाराणसीरे पद दे आसु करण करी राम मन तोषु से बोली देले गोली देला प्राय गोली चंदन कुले रघुवंशी कजे गोली देला प्राय गोली चंदन कुले रघुवंशी कजे बसाई बेश बिरचिले चित्त रसाई बिंब देखाइले छामुरे केही बिंब धरी आडम्बरकु कही से दिबन्ध कले कुन्तर जे मणि नीलमणि प्रतिभा ऊर्ध प्रकाशित तल जे विचित्र मणि नीलमणि प्रतिभा ऊर्ध प्रकाशित तल जे विभूषा हे मोर रत्न जेते कही बालामणि सण रसण तहीदड़ी अंजन कस्तूरी निशी विभु विधि बसु उच्चल दिशी दे विदेह जा पद गुणी जे सती पदे छंद उपेन्द्र भंज वीरवर हरिथे सती पदे छंद उपेन्द्र भंज वीरवर हरिथे सती पदे ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ କାବ୍ୟ ରଚନାର ଯେଉଁ ମହାର୍ଘ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ସେଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଚୌପଦୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଦରି ନେଲା। ତେବେ ଏ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ଚୌପଦୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଦରି ନେବାର ହେତୁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଡକ୍ଟର ରଥ? ଏ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ଚୌପଦୀ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମତାଳରେ ଚୌପଦୀ ପରମ୍ପରା ଗତି କରିଛି। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆଦିରସାତ୍ମକ ଚୌପଦୀ ରଚନା, ଏ ଚୌପଦୀ ରଚନା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ରଚନା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ସିଏ ତ ଏକାଧାରରେ କାବ୍ୟ ବି ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅନେକ ଚୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 20ଟି ଚୌପଦୀ ତାଙ୍କର ମିଳୁଛି। ଭଞ୍ଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦରବାରରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡରେ ତାକୁ କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି।
किंतु चौपदी गुड़िक जो रचना करा शुणाक मौज लगुच सरल भाषा अच्छी गाँ लोक मैंने दाण्डर सब गाँव तेणु गाँ लोकों मुहर जो चौपदी गुड़िक शुणुंत उपेन्द्र भंज सी कहते आरे इमित रचना कले लोक शुणते तेणु चौपदी रचनाटा जेहेतु लोकप्रिय लोक मन को छुईला लोक गुणुगुणे मल्लीमाल श्याम को देवी आम थे शुणीचु आम गुणुगुणु आरे मदाण सा थे शुणीचु गुणुगुणु तेणु यही जोटा तार तुरंत प्रभाव श्रोता मानते से प्रभावटा को जो कवि मैंने लक्ष्य कर प्रलुब्ध होती तेणु यही परंपराटा जो ताक पूर्वर आरंभ हो जाता उपेन्द्र भंज पूर्वर उपेन्द्र भंज से अवगाही हो से परंपरा को आगक अब्याहत रखिले परंपरा कवि सूर्य पर्यंत जाग को गला पखापाखि 200-250 वर्ष धरी चौपदी परंपरा ओडिया साहित्य को मंद्रित करके रखिला तेणु से चौपदी परंपरार गोटे चौपदी हूँ मल्लीमाल श्याम को देवी मल्लीमाल श्याम को देवी मन तोषिबी यही सुंदर भाव संगीत जहाँ ओडिसी संगीतर एक अभिन्न अंश पलटि केतेबेले संगीत शिल्पी कंठरू यह जरी आसी तो आउ से कंठ निसृत संगीत भितर ओडिसी नृत्यशिल्पी नृत्यरता होती से भाव संगीत को परसी देवे कंठशिल्पी शैलभावा महापात्र काल्पनिक काव्य सहित पुराण आधारित रचना को नहीं निजर सामग्रिक सृष्टि को बेस पुष्क करिछंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तेबे डॉक्टर षडंगी कवि उपेन्द्र भंजंकर रचना रे से पौराणिक पृष्ठभूमि कौन कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर रचना पौराणिकता को नहीं अधिक समृद्ध होई छि आमे तो
ବୈଦେଶିକ ବିଳାସରେ ରାମାୟଣର କଥା ଦେଖେ, ଏତଦ ଭିନ୍ନ କଳା କୌତୁକ ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏତଦ ଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀକି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୌରାଣିକତାକୁ ସେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତି, ଏତତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ବରଂ ଚାଷ୍ୟ ବପୁର୍ଭୂତଂ ମହାତ୍ମନଃ ସ୍ୱୟଂ ବପୁସ୍ମାନ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ସ୍ୱନାମ୍ନା ଖ୍ୟାପିତଂ ହି ତତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଦେହ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ ଦେହୀ। ଦେହ ଏବଂ ଦେହୀ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ ତାକୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆହରଣ କରି କବି ସମ୍ରାଟ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ କୋବିଦ ଭରତ ଖଣ୍ଡ ପୁଣ୍ୟଧାମ ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଦେହି ତେଣୁ ସେହି ନାମ। ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଏଠି ଦେହି ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ନାରାୟଣ ଇଏ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାକୁ ସର୍ବାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଏ ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଜାର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦୁ ବାହାର, ଏଇ କଥାଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ। ଶୁଣ କୋବିଦ ଭରତ ଖଣ୍ଡ ପୁଣ୍ୟଧାମ ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଦେହି ତେଣୁ ସେହି ନାମ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ଏହି ଅନବଦ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଭିତରେ ସେହି ଉତ୍କଳର ଅଧୀଶ୍ୱର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୀଳାମୟ ନୀଳାଦ୍ରି ଶଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ କୁସୁମ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ରୂପକ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ଶୁଣ କବି ଦେ ଭରତ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣ୍ୟଧାମ, ଶୁଣ କବି ଦେ ଭରତ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣ୍ୟଧାମ, ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଦେହି ତେଣୁ ସେହି ନାମ ହେ। ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଦେହି ତେଣୁ ସେହି ନାମ, ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଦେହି ତେଣୁ ସେହି ନାମ। ଗିର୍ବାଣ ମତେ ନିର୍ବାଣ ସାରୁପ୍ୟକୁ ଦେ, ନିର୍ବାଣ ମତେ ନିର୍ବାଣ ସାରୁପ୍ୟକୁ ଦେ, ସାକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ କରଟ ପ୍ରତିମା ରୂପେ ଥାଇ ଯେ। ସାକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ କରଟ ପ୍ରତିମା ରୂପେ ଥାଇ, ସାକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ କରଟ ପ୍ରତିମା ରୂପେ ଥାଇ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକ ନିପାତକ ମହି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକ ନିପାତକ ମହି, କପାଳ ମୋଚନ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାକ୍ଷୀ ଜହି ଯେ। କପାଳ ମୋଚନ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାକ୍ଷୀ ଜହି, କପାଳ ମୋଚନ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାକ୍ଷୀ ଜହି। କବି ଉପଇନ୍ଦ୍ର ତବ କୃପାରେ ହୋଇଛି, କବି ଉପଇନ୍ଦ୍ର ତବ କୃପାରେ ହୋଇଛି, ଏତେ ମନରଥ ପଥେ କି ସଂଶୟ ଅଛି ହେ। ଏତେ ମନରଥ ପଥେ କି ସଂଶୟ ଅଛି, ଏତେ ମନୋରଥ ପାଠେ
संशय अछि एते मनोरथ पाथे कि संशय अछि। जेउ कविंकर रचना जीवन को आच्छन्न करि बसिछि, जहांकर सामग्रिक कृति ए जातिर अक्षय संपद होइछि, से कविंकर जीवनी संपर्क में जिज्ञासा रखिबा स्वाभाविक। एठी डॉक्टर रथ आमे देखु कविंक जीवन में भी आसी दुख, किभली से दुख गुड़ी को से साधारण भाव में ग्रहण करिछंती, महाप्रभु निकट में समर्पित होइछंती एवं काव्य साधन निजक निविष्ट करिछंती। कौन कहिबे डॉक्टर रथ? उपेन्द्र भंजकर जीवन दुख कथा वर्णना कला बेले प्रकृतरे अंतर विदीर्ण हो जाए एवं तांको दुख कहवापी भाषा मध्य मिलिबो नाही। उपेन्द्र भंजकर जीवन काल मात्र 60 वर्ष भितर 1680 पाखापाखि ख्रीष्टाब्दरे जन्म 1740-50 ख्रीष्टाब्द भितर तांकर मृत्यु एवं आद्य जौवन रे दुई दुई थर पत्नी वियोग। बाणपुर राजन जेमा को विवाह कले सेतेबेले केते वर्ष रे बा विवाह करूथिबे 16-17-18 वर्ष रे विवाह विवाह करिवार अल्प दिन पर बाणपुर राजनंदिनी मृत्यु एवं राज्य भी चलीगला तांकर ता परे परे। से तो राजा नथिले, तांको बापा राजा थिले नीलकंठ भंज। गोटे राज्यर राज परिवार भितर जो षड्यंत्र से षड्यंत्र शिकार हो मात्र 2 वर्ष राज्य शासन करी तांको पिता तांको माता से निजे उपेन्द्र भंज एम राज्य छाड़ा बाध्य हेले। घुमसर राज्य छाड़कर जा नयागढ़ राज्य आश्रय ने तेणु उपेन्द्र भंज निज जीवन कथा गुड़ाक काव्य भितर कही पकई। राजा को हेबार राज्य भ्रष्ट, युवा को हेबार पत्नी कष्ट, कहे उपेन्द्र एथु बलिया नाही आन कष्ट। तेणु युवा को पत्नी कष्ट हो राजा को राज्य भ्रष्ट हो दीटा ठार जीवन आज कष्ट किसी अधिक कष्ट ना। जीवन में सुखी किए हो पार ना? सुखी होइथिबा लावण्यवती कहते सुखी होइथिबन रूप उपजीवी नोही, अन्य कहा द्वारा जीवन जापन करुथिबो उपजीवी ही नथिबो। विद्या थिबो दिव्य स्त्री मिलिथिबो तही केहेबो इंद्र होइले सर्वसंपद से स्त्री हिनो ठारु पापी नाही मही देसे। जार स्त्री चलीगला से जीवन रे ताठु बळी पापी आ संसार रे केही नाही। एटा को केबे से भोगिले जीवन रे मात्र 20-25 वर्ष भितरे दुर्दशा तांको जीवन रे घटिछि। राज्य गला नयागढ़ राज्य जा आश्रय ने दुई दुई थर पत्नी वियोग जीवन में अच्छी कौन का सहित समय अतिवाहित कले दुख हेले मनरे कहा सहित निजर दुख को बांटिले यू कथा जो भंजकर जीवनी जड़े पढ़व तार आखिर लुह आपे आपे बहब। तेणु उपेन्द्र भंजकर काव्य शुणिकी चौपदी शुणिकी आम जो आनंद अधीर हो जाऊ तार विपरीत हूँ जीवन जीवन में एत दुख र गोटे अग्नि से दग्धीभूत होती से दुख निजे भोगी संसार को आनंद देजर काव्य साधना भितर निजर चौपदी रचना भितर से आम मान आनंद किंतु जीवन असुमारी दुख भोग कर। तेणु यही दुख ये तो सांसारिक दुख ता सहित तो आधिभौतिक दुख आध्यात्मिक दुख ये सबू जीवन में घटी। तेणु यही समग्र दुख को सब निज जीवन में बहन कर उपेन्द्र भंज शेष को से दुख को निवेदन करुछन्ति महाप्रभु पाखरे। डाक्टर कृष्ण केशव षडंगी कविंकर नीलाद्रिश 34 संस्कृत अनुवाद करिछन्ति एवं शेष बेलू से कौन कहुछन्ति जे प्रभु ए पिंड ख्यालित हलाणी, ए पिंड रे आउ बल नाही, ए पिंड कथा कहिबा को समर्थ नुह, ए पिंड चलिबा को समर्थ नुह। तेणु मोर जीवन में जहाँ जश पाइली जहाँ सम्मान पाइली जहाँ हला ए सबू को आपण समस्त सुख दुख सबू को आपण मु निवेदन करुची आ मोर जीवन में किसी प्राप्ति आशा ना मुण पाद पद्म कि भाव में निमज्जित हो जाए मोर आत्मा आपण समर्पित हो कि लीन हो जाऊ यही प्रार्थना मु करुची। श्रीक्षेत्र यही कथा कामना करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कला श्रीमुख हे नगला मोर दुख ताकू आम शुणिले कविंर रूप ता भितर आमको दिशो कवि निजे छल छल होकर प्रतिभात हे। श्री कला श्रीमुख निकट में समर्पित बरेण्य कविंर ये अनवद्य कृति को संगीत परसी देवे कंठशिल्पी मातृप्रसाद दास। कला श्रीमुख है नगला मोर दुख कला
श्री मुख रे नकला मोर दुख कलपत रूप आश्रे करिछे मु कलपत रूप आश्रे करिछे मु कि बोलिबे सुनि लोक বিপসন কলা বেড়ে অন্ধ বালা বৃন্দাবনে হরিণাক্য বিপসন কলা বেড়ে অন্ধ বালা বৃন্দাবনে হরিণাক্য আনি কোটি চেল পাঞ্চালি কি দেল আনি কোটি চেল পাঞ্চালি কি দেল কি রূপে হইতা পক্ষ কলা শ্রী মুখ রে নকলা মোর দুঃখ কলা শ্রী মুখ রে মোর দুঃখ হে পারু বিনীত দশানন ভ্রাত তব শ্রীচরণে দেখ হে পারু বিনীত দশানন ভ্রাত তব শ্রীচরণে দেখ বসিছি সজীবে অত্যাপিয়ে ভবে বসিছি সজীবে অত্যাপিয়ে ভবে পাই স্বর্ণময়নঙ্ক কলসি মুখরে নকলা মোর দুঃখ কলসি মুখরে নকলা মোর দুঃখ কহে ভঞ্জ বীরবর রমা বর প্রভু দীন জন রক্ষা কহে ভঞ্জ বীরবর রমা বর প্রভু দীন জন রক্ষা ভাসুছি ভব দুস্তর নব ভাসুছি ভব দুস্তর নব মধ্যে মুখ হইনি কলসি মুখ রে নকলা মোর দুঃখ কলসি মুখ রে নকলা মোর দুঃখ কলসি মুখ রে নকলা মোর দুঃখ নিজ সাধনা সহিত যেতেবেলে ঐশী শক্তির সমন্বয় হয়ে যায় সেতবে কবি প্রতিভার যে উদ্রেক হুয়ে তাহা কালজয়ী হয়ে যায় বোধহুয়ে কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জঙ্কর রচনা ভিতরে এই ভাব হি প্রকটিত হয়েছি তবে সে ধর্মীয় ধারাটি কবিঙ্ক রচনার কিভাবে প্রতিভাত ডক্টর ষড়ঙ্গী প্রতিভা সদাবেলে বিভুদত্ত প্রতিভা নৈসর্গিকী যাহা বিভুদত্ত কৃপার হি সম্ভব হয়ে পড়ে সেই নৈসর্গিক প্রতিভার অধিকারী কবি সম্রাট ভঞ্জ সে নিজে তাকে ঘোষণা করেছেন কোটি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরীর প্রথম ছন্দর শেষ পংক্তিরে নিজে ঘোষণা করে কবি কহুচন্তি কবি উপ ইন্দ্র তব কৃপারু হইছি এতে মনোরথ স্বার্থে কি সংশয় অছি মু তো আপনক কৃপারু তো কবি হইছি আউ মোর যাহা মনোরথ আপন যে তাকে পূরণ ন করিবে এতিরে মোর কিছু সংশয় নাহি আপন নিশ্চয় মোর মনোরথকু পূরণ করিবে এবং সেই ভাবকু নেই তাঙ্কর ভক্তি এতে চরম স্থিতি কি যাইছি যে সে ভক্তিরে কেবল ভরি রহিছি বিভু প্রেমরে সমর্পণর ভাব যাহাকু আমি তাঙ্কর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ চিন্তন মূলক রচনা নীলাদৃশ চৌতিশারে দেখে নীলাদৃশ চৌতিশার বর্ণনা ভিতরে অনেক তত্ত্বকু দেইথিবা উপেন্দ্র সবা শেষরে মহাপ্রভুঙ্ক নিকটরে জোড়হস্ত হই গরুড় স্তম্ভ নিকটরে ঠিয়া হই
ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ନିଧିଙ୍କି ବାରେ କ୍ଷମ ମୁଁ ଦର୍ଶନରେ କ୍ଷିତି ଖ୍ୟାତି କି ସମର୍ପିଲି, କ୍ଷମ ମୁ ଅପରାଧ କ୍ଷମ ଏ ଜୀବ ସାଧ, ଖ୍ୟାତ ଚରଣ ତଳେ ଦେଲି ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ, କ୍ଷୟତ ହେଲାଣି ଏ ପିଣ୍ଡ, ଛାଳ ଏ ଜଞ୍ଜାଳର ଦଣ୍ଡ, ଖ୍ୟାତି ଏ ଉପେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷାତ୍ରକୂଳ ବ୍ୟବହାର, କ୍ଷେମ ଚରଣେ ହେଉ ରୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି କବିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସେ କହୁଛି, କ୍ଷମ ଏ ଜୀବ ସାଧ, ମୋର ଏଇ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଅତି କ୍ଷମ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ କ୍ଷୀଣ, ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ସେଇ ଯେଉଁ କାଣିଚାଏ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ହେଇଛି, ମୋର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ତାର କୃତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିକି ଢାଳିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣ ସିନା ମୋର କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍ଷଦମାନେ ଏମାନେ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗଦା ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇମାନେ ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧରିଥିବା ଶଙ୍ଖଟା ବାହାରକୁ ଧଳା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରଟା ଭାରି ବକ୍ର। କହିଲେ ବକ୍ର ଲୋକଟା କ'ଣ ମୋ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ? ଆପଣ ଧରିଥିବା ଗଦା ସେଇଟାର ମୁହଁ ନାହିଁ, ଗଦାଟା ନା ଶୁଣିପାରିବ ନା କହିପାରିବ, ନା ତାର କାନ ଅଛି ନା ମୁହଁ ଅଛି, ପୁରାପୁରି ଆବଦ୍ଧ, ସିଏ କେମିତି ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବ? କହିଲେ ଆଉ ନା ଚକ୍ର, ଚକ୍ରଟା ପରା ବକ୍ର, ମୂଳରୁ ସିଏ ବକ୍ର, ତେଣୁ ଚକ୍ର ବି ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନା ଶଙ୍ଖ ନା ଗଦା ନା ଚକ୍ର। ହଁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଟିକେ ମୋ କଥା କହନ୍ତେନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷୀଣ ବିରୋଧିନୀ, ସେ ପରା ଦିନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ବିପରୀତରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଧନୀମାନଙ୍କର ଦେବୀ, ସେ ଧନ ଦେବୀ, ତେଣୁ ଧନୀମାନଙ୍କ କଥା ସିନା ଶୁଣିବେ, ମୋ ଭଳି ଅକିଞ୍ଚନ ଦିନର କଥା ବା ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନରୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ କମ୍ବୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନ, କମଳାବର ସନ୍ନିଧାନ କିବର୍ଣ୍ଣି ବି ଭାବିତ, କଞ୍ଜସୂତ ଭାବିତ ଯାକଞ୍ଜ ଚରଣ ଐକ୍ଷଣ ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ, କଳିତ କୁଟିଳ ବହିଛ କରେଣ ଚକ୍ର ବହିଅଛ, କମ୍ବୁ ନାଭି କୁଟିଳ କାକୁସ୍ଥରେ ସରଳ, କରଟୁ ହୀନ କି କରୁଛ। ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିସାର ଏହି ଆଦ୍ୟ ସ୍ତବକକୁ ଭାବରେ ପରଶି ଦେବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ କମ୍ବୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନ, କମଳାବର ସନ୍ନିଧାନେ କିବର୍ଣ୍ଣି ବି ଭାବିତ, କଞ୍ଜସୂତ ଭାବିତ ଯେ କଞ୍ଜ ଚରଣ ଇକ୍ଷଣେ ଚକ୍ର ବହିଅଛ, କମ୍ବୁ ନାଭି କୁଟିଳ କାକୁସ୍ଥରେ ସରଳ, କରତୁ ହୀନ କି କରୁଛ ଏ ନୀଳାଦ୍ରିଶ, କଳିତ କୁଟିଳ ବହିଛ ଗର୍ବମଣି ଖଗେଶ ଖଣ୍ଡ ବିଷୟା ବିଷ, ଖଣ୍ଡ କଟକ ତଳେ ଆଶା ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ଧର ରାଜ, ଜଳ ଖଣ୍ଡନ ଧ୍ୱଜ ଖ୍ୟାତାଙ୍ଗି ଏକାନ୍ତ ଭରସା ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ, ଖେଟରେ ସରଳ ସମ୍ଭଳୁ ଖେଚର କୂଳ ପ୍ରତିପାଳୁ,
खंड श्रीखंड शोभा खुद पाई की लोभा खट जन रे दयालु ख्याति की समर्पी क्षम अपराध क्षम ए जीव साध ख्यात चरण तले देली नीला त्रिश क्षयत हेलाणी कुल बेधार हेम चरणी हेरुंड हे नीला दृश क्षयत हे नारी घुमुसर राजवंशर धर्मीय परंपरा प्रति सामग्रिक भाव ऐकांतिक भाव समर्पित थिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन तेबे डॉक्टर रथ आमे देखु जीवनव्यापी निजर समस्त रचना को महाप्रभुंक निकटरे समर्पि देइछंती निजर कृति एवं कीर्ति को समर्पि दे एक आत्मप्रसाद अनुभव करिछंती ए धर्मीय भावना भितरे किभळी निजकु संपूर्ण भाव समर्पित करि पारंती ए धर्मीय परंपरा को किभळी तार धारक भाव से निजक ग्रहण करिपारिछंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन भूमिसरर राजवंश धर्म दृष्टि धर्मीय विचार दृष्टि अत्यंत उदार कारण से माने जेतेबेले आसिले जोटि गड़ स्थापन करे कुलाड़े कुलाड़े किए थे कुलाड़े आदिवासी माने थिले एवं से आदिवासी मानकु तांको स्थानरु उच्छेद करी से माने सेतेबेले गड़ स्थापन कले से आदिवासी माने कंध माने से माने गोटे शर्त रखिले जे आमर इष्टदेवी व्याघ्रदेवी यांकु आपण सुरक्षा देवे एवं व्याघ्रदेवी को निजर इष्टदेवी भाव में ग्रहण कले एटा कम बड़ कथा नुहे उपेन्द्र भंज निजे लिखिछन्ति जेवन से इष्ट दुर्गा देवी तांकर दुर्गा देवी कनक दुर्गा थिले कनक दुर्गा देवी थिबा सत्वे से माने आदिवासी पूजित व्याघ्रदेवी को से माने इष्टदेवी भाव में ग्रहण कले कम धर्मीय उदारता नुहे अन्य धर्मीय विचारधारा जो संप्रदायर सब देवदेवी थिले तांकु मध्य से माने उपयुक्त मान्यता देकर निज राज्यर विभिन्न स्थान स्थापना कले तेणु आम विष्णु मंदिर देखुचु सूर्य मंदिर देखुचु देवी मंदिर देखुचु घुमुसर राज्यर समग्र अंचल रे ए विभिन्न देवदेवी आस्थान अच्छी निजे उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदर नवम छांदे से कहते जो अभिराम राम वामन मूर्ति उपेन्द्र भंजर सकल संपत्ति से राम ही तांकर संपत्ति एवं से उपेन्द्र भंज पुणी कौन कले जो कला कौतुक रचना कले कला कौतुक कौन कहते प्रथम छांदे कविस्तुति करी मने एमंत भावित कली कामिनी वर्णना करी बहु गीत क्यों कार्य अच्छी तही कृष्ण कथा थाऊ कल्पुछी जहाँ अभिघ्ने समापत हो जे कामिनी वर्णना कली बहु गीत तो रचना कली कृष्ण कथा छड़ा कौन अच्छी जीवन में रहा मोर तेणु रामकथा वर्णना कली कामिनी कथा वर्णना कली तेणु कृष्ण कथा एथर वर्णना करी तेणु जो कृष्ण भक्ति एवं कृष्ण गोटे वैष्णव सुलभ तांकर जो चिंता चेतना वैष्णव सुलभ चिंता चेतनाटा कौन ना निजकु सबुठ दिन मन करवा निज सब हरिकीर्तन कर एवं अमानी लोकंकु मान दबो निजकु सबुबेले छोटो करिवो भाविबो आउ समस्तंकु बड़ भाविबो
कवि माने निजको मूर्ख बोली कहिसंती प्रकृति रे कोन कवि माने मूर्ख थिले मूर्ख थिले एते कविता किमिति रचना करथिले किंतु तांकर दैन्य तांकर विनम्रता तांकर नम्रता एटा होची वैष्णव सुलभ शेषुकु आसिकिरी कोन करिसंती श्रीक्षेत्र रे दीर्घकाल रहिले एवं घुमसर मठ थिला श्रीक्षेत्र रे घुमसर मठ रे रहिले विश्वनाथ स्वार महापात्र सहित सख्य हला एवं तांको माध्यम से गजपति सान्निध्य पाइले एवं दीर्घकाल जो वर्णना कोटिब्रह्मांड सुंदर डॉक्टर कृष्ण केशव षडंगी वर्णना करुथिले जे दीर्घकाल श्रीक्षेत्र रे न रहिले महाप्रभु सहित नीति कांति तांकर पुण्य पर्व उत्सव अनुष्ठान ये सब संपर्क अवगाही नहले महाप्रभुंकर एते कथा जणे वर्णना करि पारिबो नाही। तार गोटे निदर्शन होची जे जय जय जगन्नाथ दारू रूपधारी रसिक हारावलीर ये प्रथम छांदरे से महाप्रभु जगन्नाथंक पाखरे आउ थरे निजर दैन्य प्रकाश करुचंती एवं वंदना करुचंती। रसिक हारावलीर प्रथम छांद जय जय जगन्नाथ दारू रूपधारी को उपस्थापन करिवे ए आसरर समस्त शिल्पी समवेत गायनरे। जय जय जगन्नाथ दारू पधारी नीलगिरीश वंदनीय हरि हे महाबल बल रज भद्राग्रज गरुड़ासन सनक पूज्य चतुर्भुज हे गरुड़ासन सनक पूज्य चतुर्भुज हे अपसारी अछन्ति छामुरे हे नारद वीणा वाद्य रे होई सावधान सुणुछन्ति मन दे उर्वशी गायन हे छन्ति मन दे उर्वशी गायन हे निरद सुन्दर दर हर हर सदा समान मन रे जात कर महाखेद हे प्रभु कमला कांत कांत पद ध्याने उपइंद्र वीरवर अति तोष मने हे उपइंद्र वीरवर अति तोष मने हे ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତିବେଦନ ରହିଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଆଉ ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବକ
उपेन्द्र साहित्यर विभिन्न दिग दिगंत को आलोचना रखापी भक्त बंधु आज आजपाई समय आह्वान को सम्मान दे आम ने मेलाणी देखा हेबार प्रतिश्रुति आगामी अध्याय रे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।